आज आम नवम श्रेणी चतुर्थ अध्याय उपसर्ग पढ़िबा। उपसर्ग शब्दटा कोठु सृष्टि हला, यार वास्तवता कौन ताकु आगे बुझिबा, तापरे आम मातृभाषा केतोटी उपसर्ग अच्छी आउ सेगुड़िक कौन कौन ताकु जानिबा। प्रथमे प्रत्यय कौन ताकु जानिबा। धातु सहित बा धातु पूर्वरु बा परे जेउ अव्यय पद जोग करा जाए, सेई अव्यय पदर जोग रे एक नूतन शब्द गठित हुए, तेणु एई अव्यय पद गुडीकु ही प्रत्यय बोली कुहा जाए। ए प्रत्यय रु उपसर्गर सृष्टि हेछि। जेउ अव्यय पद गुडीक धातु पूर्वरु व्यवहार हेई नूतन शब्द गठन करा जाए ताकु उपसर्ग कहंती। ए उपसर्ग शब्दटी उप सृज आउ अ, देख पिले मैंने उप सृज आउ अ एई भली तीनोटी मिश्रण रे तयारी हेजी। हेले सृज धातुर अर्थ कौन? सृज धातुर अर्थ हेउची सृष्टि करिबा, सर्जना करिबा बा निर्माण करिबा। तेणु उपसर्ग माध्यम रे किछि नुआ शब्द आम अभिधान रे जोग करा जाए, आउ ए उपसर्गर व्यवहार आम साहित्य को सरस सुंदर करी गढ़ी तोले। तेणु उपसर्गर आम साहित्य रे गुरुत्व रहिछि। एबे आमे आम मातृभाषा रे संपूर्ण 20 उपसर्ग अछि। प्रत्येक उपसर्ग को आमे गोटिए गोटिए करी बुझिबा। पिले माने आस आमर प्र उपसर्ग उत्कर्ष उद्भव आदि अर्थरे एक व्यवहार करा जाए। प्रयुक्त कोप प्रकोप आउ प्रयुक्त दान प्रदान, तेणु एई भली अनेक शब्द प्र उपसर्गरे आम मातृभाषा रे देखिबा को मिले। द्वितीयटी हेउची परा उपसर्ग, जहाँ कि विशेष भावरे प्राधान्य बा विपरीत अर्थरे व्यवहृत हुए। उदाहरण पराजुक्त जी युक्त अ पराजय, पराजुक्त क्रम युक्त अ पराक्रम, एभली भावरे उपसर्ग को नेइ शब्द तयारी हुए। तापर उपसर्गटी हेउची अप, मंद अर्थरे साधारणतः यार व्यवहार देखिबा को मिले, एवं यार उदाहरण हेउची अप क्रूस आउ अ अपकर्ष, अप क्रू आउ अ अपकार, एई भली अनेक शब्द आम मातृभाषा रे अछि। सम उपसर्ग साधारणतः सहित बा सहति अर्थरे व्यवहृत, जहार उदाहरण हौची सम युक्त श्रु युक्त अ संसार, सम युक्त बद युक्त अ संवाद, एई भली हुए सम उपसर्गर शब्द गुड़ाक। नी उपसर्ग हूँ आमर पंचम उपसर्ग, यह समीप बा सादृश्य अर्थरे व्यवहृत हुए, जहार उदाहरण हेउची नी युक्त पुण युक्त अ निपुण, नी युक्त क्रूस युक्त त निकृष्ट। अधि उपसर्ग श्रेष्ठ बा अधिकार अर्थरे व्यवहृत हुए, उदाहरण अधि युक्त क्रु युक्त अ अधिकार, अधि युक्त वर्ष अधिवर्ष। सप्तम उपसर्गटी हेउची सु, सुंदर सहज ए सबु अर्थरे एहाकु व्यवहार करा जाए, उदाहरण स्वरूप सुयुक्त नाम सुनाम, सुयुक्त गम युक्त अ सुगम। एभली भावरे विभिन्न उपसर्ग लागि आमर विभिन्न प्रकारर शब्द तयारी हुए। अष्टम उपसर्गटी हेउची निर, जहाँकि निश्चय निशेष अर्थरे व्यवहृत हुए, उदाहरण निर युक्त गम युक्त अ निर्गम, निर युक्त जन युक्त अ निर्जन, एभली। नवम उपसर्गटी हेउची दुर उपसर्ग, मंद बा निंदा अर्थरे एहार व्यवहार करा जाए, उदाहरण दुर्युक्त गंध दुर्गंध,
दुर्युक्त घटना दुर्घटना। दशम उपसर्गटी हेउचि उत् जहार व्यवहार अतिशय अभाव इत्यादि अर्थरे करा जाए। उदाहरण उत्युक्त कळ युक्त अ उत्कळ, उत्युक्त कृत युक्त अ उत्कोच, तेणु एभली अनेक। एगार उपसर्गटी हेउचि अति उपसर्ग, असीम बा अनुचित अर्थरे एकु व्यवहार करा जाए। उदाहरण अति युक्त सी युक्त अ अतिशय, अति युक्त ई युक्त त, जहार उदाहरण हेउचि अतीत। एबे आमे 12 नंबर परि उपसर्ग देखिबा। परि उपसर्गर व्यवहार साधारणतः साम्यक बा व्याप्ति अर्थरे करा जाए। जहार उदाहरण हेउचि परि नम त परिणत, परिकल्प अन अ परिकल्पना, एभली। 13 नंबर उपसर्गटी हेउचि प्रति, जहार व्यवहार पाश्चात्य बा समीप अर्थरे करा जाए। उदाहरण प्रति युक्त कृ युक्त त प्रतिकृति, प्रति युक्त दा युक्त अन प्रतिदान। चतुर्थ उपसर्गटी हेउचि अब उपसर्ग, जहाँकि घृणा आउ अत्यंत अर्थरे व्यवहार करा जाए। उदाहरण अब युक्त त्रु युक्त अन अवतरण, अब युक्त नम युक्त ति अवन्नति। अनु उपसर्गटी सेभली भावरे आमर हीन बा साम्यक अर्थरे व्यवहार करा जाए। जहार उदाहरण होची अनु युक्त क्रु युक्त अन अनुकरण, अनु युक्त कुल युक्त अ अनुकूल। 16 नंबर उपसर्गटी हेउची बी उपसर्ग, जहाँकि विशेष बा विहीन अर्थरे व्यवहृत हुए। उदाहरण बी युक्त जाति विजाति, बी युक्त तृष्णा वितृष्णा। 17 उपसर्गटी हेउची अभि, जहाँ उत्तम बा सम्मुख अर्थरे आम साहित्यरे व्यवहृत हुए। अभि युक्त ज्ञा युक्त अ अभिज्ञ, ठीक सेमती। आउ गोटे हेउची अभि युक्त जन युक्त त अभिजात। 18 नंबर उपसर्गटी हेउची उप उपसर्ग, निकट बा दीनता अर्थरे जहार व्यवहार देखिबा को मिले। उदाहरण उप युक्त क्रु युक्त अ उपकार, उप युक्त कंठ उपकंठ। 19 उपसर्गटी हेउची अपि उपसर्ग, आम ओडिया भाषा रे ए उपसर्गटीर व्यवहार बहुत कम देखिबा को मिले क्वचित, विशेष भावरे एहा भूषण अर्थरे व्यवहृत। उदाहरण हेउचि अपि युक्त च अपिच, अपि युक्त धा युक्त अन अपिधान। 20 नंबर उपसर्गटी हेउचि आ उपसर्ग, जहाँ ईसत बा पर्यंत अर्थरे व्यवहृत हुए। उदाहरण आ युक्त गम युक्त अन आगमन, आ युक्त क्रुश युक्त अन आकर्षण इत्यादि। एसबु ए जो 20 उपसर्ग को छाड़ी देले किछि संस्कृत उपसर्ग आम मातृभाषा रे मिसी जाइछि, जेमती कि अंतः अंतर्गत, अभिहि आविर्भाव, तिरह तिरस्कार, पुनः पुनर्बार। ए सबु संस्कृत उपसर्ग नथिले बोध हुए आम मात्रा रे आम मातृभाषा रे ए शब्द गुड़िकर व्यवहार होई पारि नथांता। ठीक सेमती देशज उपसर्ग किछि अछि, देशज उपसर्ग कहिले आम आंचलिक भाषा रे किछि मुख निसृत उपसर्ग व्यवहार देखिबा को मिले, जेमिति कि अ उपसर्गरु अक्षत अक्षम इत्यादि। ठीक सेमती अण अण बाहुडा एभली, कु उपसर्ग कु पुत्र कु संतान एसबु। दर उपसर्ग दर पोड़ा दर हसा, एसबु शब्द आमर साधारण भाव व्यवहार हुए। ना
नापसंद एभली अनेक नुआ शब्द देशज उपसर्ग संस्कृत उपसर्ग एवं ए कोड़ेटी उपसर्ग को नहीं आम मातृभाषा को रुधिमंत करिछि। एबे आमे प्रश्नावली करिबा, एबे आमे प्रश्नावली आलोचना करिबा। तुम मानको पिले एबे पर्यंत जेतिकी उपसर्ग तुम्हें बुझिल तुमको उत्तर आसीबो। प्रथम प्रश्नटी देख अछि उपसर्ग कहिले कौन बुझ। आमे प्रथमे पढ़िले उपसर्ग क्या कहती जो अवयपद गुड़िक धातु पूर्वरु व्यवहृत हो नूतन शब्द गठन करती ताकू उपसर्ग कहती। उदाहरण प्रयुक्त दान प्रदान जार अर्थ होउचे देबा। ठीक सेमती दुई नंबर प्रश्न से कहिला ओडिया भाषा रे प्रचलित उपसर्ग केतोटी कौन कौन। ओडिया भाषा रे कोड़ेटी उपसर्गर प्रचलन देखा मिले सेगुड़िक हेला प्र परा अप नी अधि सु नीर अपि दूर उत अति परि प्रति अब अनु बी अभि उप आ एभली कोड़ेटी। तृतीय प्रश्न कहिला उपसर्ग द्वारा किपरि मूल धातुर अर्थरे परिवर्तन घटुअछि। आमे गोटे उदाहरण नहीं बुझिबा पराजुक्त जय पराजय जहार अर्थ हेउछि हारिजिबा। एठी पर उपसर्ग व्यवहार होइछि सत किंतु धातु हेउछि जय जय अर्थ जितिबा किंतु ए शब्दर अर्थ हेउछि हारिजिबा। अर्थात धातु सहित उपसर्गर व्यवहार बेले अर्थरे परिवर्तन घटे। तो चारि नंबर प्रश्नटी कहिला उपसर्ग प्रयोगरे मूल अर्थ किपरि वैशिष्ट्य युक्त हुए तार महत्व किपरि बढ़ी जाए। उदाहरण देखिबा बत युक्त अन वचन वचन शब्दर आक्षरिक अर्थ हेउछि कथा किंतु एथिरे प्र उपसर्ग लागिगले एहा हेजिबो प्रवचन जहार अर्थ हेउछि उत्कृष्ट बाणी। साधु माने जेतेबेले विभिन्न उपदेशमूलक कथा आमको कहंती ताकू प्रवचन कहंती। तेणु निश्चिंत भावरे गोटे शब्दरे उपसर्ग लागिले तार वैशिष्ट्य बढ़ी जाए। ठीक सेमती पांच नंबर प्रश्न कौन कहिला उपसर्ग द्वारा सृष्टि नूतन शब्द किपरि मूल अर्थ को अनुकरण करे। उदाहरण देखिबा अनुयुक्त गमन अनुगमन गमन शब्दर अर्थ हेउछि जिबा किंतु अनु उपसर्ग लागिजिबारु एहार अर्थरे परिवर्तन हेगला जेमितिकि पछे पछे जिबा। अनुगमन अर्थ जनर्णकु अनुसरण करिबा। तेणु आमे उपसर्ग व्यवहार रे जेउं नूतन शब्द सृष्टि हेउछि ताहा अनुकरण योग्य बोली जानिले। छ नंबर देइछि आमे शब्द गुड़िकर गठन रीति जानिबा प्रदान प्रयुक्त दान प्रत्यागमन प्रति युक्त आ युक्त गम युक्त अन आ रक्त आ युक्त रक्त अनुरूप अनुयुक्त रूप वितृष्णा वि युक्त तृष्णा एभली शब्दर गठन रीति रहिबो पिले। तापरे सात नंबर कहिला प्रकृति प्रत्यय रु सृष्टि शब्द को लेख जेमतिकि आ गम अन आगमन प्रति युक्त रूप प्रतिरूप अप क्रुश अ अपकर्ष सम श्रु अ संसार नि क्रुश त निकृष्ट। आठ नंबर उपसर्ग को लगाई तीनोटी लेखे शब्द लेख से कहिला परा उपसर्गरे पराक्रम पराभाव परास्त आउ नि उपसर्गरे निकृष्ट निग्रह निजुक्त उत् उत्क्षिप्त उदासीन उन्नत प्रति उपसर्ग प्रतिकूल प्रतिपक्ष प्रतिदान वि उपसर्ग विख्यात विपक्ष विफल उप उपसर्ग उपकंठ उपकार उपवन अनु उपसर्ग अनुगामी अनुताप अनुरूप। यही तुम्हें पे मैंने उपसर्ग को लगे
तीनोटी चारोटी लेखे शब्द तैयारी करि पारिबो। नवम प्रश्न कहिला ड्यास उपसर्ग भूषण अर्थरे व्यवहृत, अपि उपसर्गटी केवल भूषण अर्थरे व्यवहृत। दस नंबर कहिला प्रश्न एथि मध्यरु सम पर्याय रु नुहे बा समान पर्याय भुक्त कोड़ीएटी उपसर्गरे नथिबा उपसर्गटी बाछ, सत उपसर्गटी कोड़ीएटी उपसर्ग मध्यरे नाही। तेणु एक रु दस नंबर जाए आम प्रश्नावली रे थिला सब ठीक रे लेखिल पिले। या परे आमे पंचम अध्याय पढ़िबा जोटा कि अच्छी कृदंत।